आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की, जहां पहली खबर बस्ती से सामने आ रही है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बलिया से शुरू हुई बीजेपी की जनविश्वास यात्रा का समापन करने वो पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए सपा को लैपटॉप वितरण पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने युवाओं से कहा था कि वो उनको लैपटॉप देंगे, स्मार्टफोन देंगे, जबकि सपा ने अपनी सरकार में 15 लाख लैपटॉप खरीदे थे, जबकि उनमें से सिर्फ 6,25,000 लैपटॉप ही बांटे गए, बाकी किसी एक के पास चले गए। आगे जेपी नड्डा ने कहा कि योगी सरकार ने 1 लाख लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटे हैं, आगे चलकर 1 करोड़ युवाओं तक लैपटॉप और स्मार्टफोन पहुंचाया जाएगा। तो वही कांग्रेस में लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे पर भी जेपी नड्डा ने तंज कसा। मैं लड़ूंगी, जरूर लड़िए, किसने मना किया, लेकिन आपको शर्म नहीं आई कि आजाद भारत में 70 साल तक 11 करोड़ बहने अपने दैनंदिन जीवन में शौचालय जाने के लिए गांव से बाहर जा चुकी, तब आपको शर्म नहीं आई, आपको महिलाओं की इज्जत की चिंता नहीं हुई, आपको बालक बालिकाओं की चिंता नहीं हुई। ये मोदी जी ने 11 करोड़ शौचालय बनाकर उनकी इज्जत घर बनाकर उनकी इज्जत की रक्षा की है, इस बात को समझना चाहिए। अगली खबर सहारनपुर से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ देवबंद में बनने वाले एसटीएस सेंटर के शिलान्यास के लिए कल पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि एटीएस सेंटर का शिलान्यास होना है, जहां मुजफ्फरनगर गेट स्टेट हाईवे स्थित सिल्वर पैराडाइज के मैदान पर वो एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। यहां पर जिले के ही नहीं बल्कि प्रदेश के भी आला अधिकारी पहुंच रहे हैं और साथ साथ सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया जा रहा है, जिसको लेकर एडीजी भी आज सभा स्थल पर पहुंचे हुए थे और अपने अधीनस्थों को सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। वहीं बलिया के सिकंदरपुर विधानसभा के चेतन किशोर मैदान में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा की लाल टोपी गुंडों और माफियाओं की पहचान है, जबकि कांग्रेस के पास बहुत पैसा है और जांच अधिकारी पैसा निकाल निकाल कर ये पैसा घर और सड़क बंटवाने और बिजली के लिए इन पैसों का इस्तेमाल करेंगे। श्री अखिलेश यादव जी से मेरा सवाल, वो बताइए कि सरदार पटेल जी का अपमान करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना का नाम क्यों लिया? क्या इस पर उनसे सवाल है कि वह बताए अगर पिछड़े वर्ग के हितैषी हैं तो जब सपा बहुमत में थी तब पिछड़े वर्ग के अन्य किसी जाति की याद उनको क्यों नहीं आई? अगर वो पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े नेता जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण करने के लिए अपनी कुर्सी रामलला के चरणों में समर्पित कर दी, ऐसे बाबूजी स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के अंतिम सांस लेने के बाद उनको श्रद्धांजलि देने क्यों नहीं गए? अखिलेश यादव जी कटघरे में हैं, वो 47 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे। वही देवरिया के रामपुर विधानसभा के बरियारपुर इंटर कॉलेज में किसान मोर्चा सम्मेलन में पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वहां पर जनता को संबोधित किया है और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्यता से स्वागत किया। आपको बता दें कि जनता को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि अब गुंडों और माफियाओं के बल पर राजनीति नहीं चलेगी, जबकि भ्रष्टाचार रोकने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने गरीबों और किसानों के खाते में सीधे पैसे भेजने का काम किया है। पार्टी में भगदड़ मची हुई है, भारतीय जनता पार्टी 2022 का चुनाव लड़ने जा रही है, जीतने जा रही है, फिर से एक बार पराजय का चौका उनको मिलेगा। अगली खबर मैनपुरी से है, जहां पर किशनी में कैबिनेट मंत्री जितन प्रसाद ने बीजेपी के युवा मोर्चा में शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। आगे उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि युवा अब जाग चुका है, जबकि बीजेपी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। वहीं आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने यह भी कहा कि पहले सपा सरकार में एक ही वर्ग का विकास होता था, गुंडे माफियाओं का राज था, जबकि भाजपा सरकार में सबका साथ सबका विकास हुआ है।
प्रदेश भर में बने हैं, युवा पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी का संदेश गांव तक पहुंचा है। अन्य युवा लोग दूर दराज उनको पार्टी के साथ जोड़ने में मदद करें, नए भारत और नए उत्तर प्रदेश का निर्माण। वहीं सिद्धार्थनगर के बांसी में स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने 50 बेड के निर्माणाधीन अस्पताल का लोकार्पण किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पहले ये एक प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र के रूप में जाना जाता था, जबकि इसको 50 बेड में परिवर्तित करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना दिया गया है। स्वास्थ्य केंद्र के रूप में था, इसका उच्चीकरण करके 50 बेड का ये हॉस्पिटल बनाया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इसको परिवर्तित किया गया है और इसके अंदर आपका डॉक्टर्स सहित जो इसका एक मानक बना हुआ होता है 50 बेड के हिसाब से, डॉक्टर्स होते हैं, पैरामेडिकल होते हैं, स्टाफ नर्स होते हैं, वार्ड बॉयज होते हैं, जो भी उसके जो टीम के लोग होते हैं उनका नियुक्ति यहाँ करके उसके साथ में यहाँ डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन की व्यवस्था और डिलीवरी की व्यवस्था, और उसके साथ में भी यहाँ कोल्ड चेन भी लगेगा, फिर उसमें ये जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के होंगे, टीबी की जांच होगी, ये सारी चीज़ें जो एक 50 बेड के उसमें सम्मिलित होता है इसको हम लोग यहाँ पर पूरा करेंगे। स्वास्थ्य केंद्र वहीं सहारनपुर के देवबंद, ननौता और फतेहपुर में भीम आर्मी भारत एकता मिशन रजिस्टर्ड और सामाजिक संगठन के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव विजय कुमार आजाद ने लोगों से जनसंपर्क कर विचार गोष्ठी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन रजिस्टर्ड संगठन का अब भीम आर्मी से कोई लेना देना नहीं है, वो और उनके कार्यकर्ता केवल आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता है। आगे मीडिया से उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुजन समाज सेवियों से मुलाकात की और उन्हें माला पहनाकर सम्मानित किया है और उनके साथ मिलकर विचार गोष्ठी करके लोगों को भीम आर्मी संगठन और बीएसपी पार्टी को मजबूत बनाने का काम किया है। सहारनपुर मैं इसलिए आया हूं क्योंकि सहारनपुर वासियों ने मुझे बुलाया है और अपने घर घूमने आया हूं, जहां पर मैंने विविध गांवों का दौरा किया, जनसंपर्क किया और यहां पर बहुजन समाज को जागरूक करते हुए भीम आर्मी संगठन को मजबूत किया। माधवपुर, ननौता और क्षेत्र में आते हुए जितने भी रोड पर तिराहे चौराहे मिले सभी पर हमें बहुजन समाज के लोगों ने मान सम्मान दिया, माला पहना कर सम्मानित। वहीं अगली खबर संभल से है, जहां पर कोतवाली गुन्नौर क्षेत्र में कस्बा पतरिया और धनारी में कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और भाजपा सांसद डॉक्टर संगमित्रा मौर्य का जन्मदिन अलग अलग स्थानों पर मनाया। इस दौरान भाजपा जिला संयोजक के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की विचारधारा दूसरी है, जबकि भाजपा समाज के जाति बंधन को तोड़ते हुए समाज के सभी वर्गों के साथ लेकर चलने का काम करती है। डॉक्टर संगमित्रा मौर्य लोकसभा बदायूं के सांसद हैं, लोकप्रिय नेता हैं, विधानसभा गुन्नौर लोकसभा बदायूं में आता है। उनके उपलक्ष में जन्मदिन मन पर हम उनकी केक काटकर और जन्मदिन मना रहे हैं आज 3 जनवरी 2022 के लिए, और कल का जो जन्म दिवस था स्वामी प्रसाद मौर्य कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार 2 जनवरी को उनका था, हम दोनों का जन्मदिन सामूहिक रूप में मना रहे हैं पतरिया अपने आवास पर। सिद्धार्थनगर में योगी सरकार ने अनुदेशकों को मानदेय में 2000 रुपए बढ़ोतरी को लेकर जिले के उच्च और प्राथमिक विद्यालयों के अनुदेशकों ने मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर में इकट्ठा होकर इसे चुनावी लॉलीपॉप बताया और इसका विरोध करते हुए अपनी मांगों का ज्ञापन प्रशासन के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार को भेजा। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुदेशक के पद पर कार्यरत हैं वर्ष 2013 से। सरकार द्वारा हमको पहले 7000 रुपये नियुक्त किया गया था, अखिलेश यादव की सरकार में 1470 की बढ़ोतरी के साथ 8470 रुपये हमको दिया जाने लगा। वर्ष 2017 में जब इनकी सरकार बनी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, इन्होंने 1470 रुपये की रिकवरी करके हमको पुनः 7000 रुपये पे प्रतिस्थापित कर दिया। अभी 29 तारीख को इन्होंने संवाद का कार्यक्रम रखा था लखनऊ में, जिसपे ये हमारी घोषणा को जो नंबर 2000 रुपये मात्र बढ़ा करके कि हम आपको 2000 रुपये बढ़ाते हैं, और इस 2000 रुपये की बढ़ोतरी में 1470 पहले से वो रिकवरी किए थे, अर्थात हमारा 530 रुपये ही बढ़ाए।
इसके विरोध में हमारे संगठन के सारे लोग माननीय जिलाधिकारी के महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को यह ज्ञापन दिया जा रहा है। उच्च प्राथमिक वहीं अगली खबर मिर्जापुर से है, जहां पर जिला मुख्यालय पर पहुंचे ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाया, जहां पर हलिया विकास खंड के मतवार न्याय पंचायत के करीब 40,000 की आबादी सड़क की सुविधा से वंचित है। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि न्याय पंचायत मतवार में सड़क को बनवाने के लिए बीच में वन विभाग की जमीन आती है, इसी वजह से सड़क नहीं बन पा रही है, जबकि इस समस्या के समाधान के लिए 34 हेक्टेयर जमीन को चिन्हित किया गया है जो वन विभाग को दिया जाएगा। इसके बदले में वन विभाग सड़क बनवाने की अनुमति देगा। हमारे यहाँ इस बार जो 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, हम उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे और मतवार न्याय पंचायत के जितने भी लोग होंगे सब लोग इस मुहिम में मेरे साथ खड़े रहेंगे। हम लोगों की मांगे हैं कि हमारे यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। हमारे यहाँ से हलिया से मतवार का जो दूरी है लगभग 20 किलोमीटर है और हम लोग काफ़ी कोशिश किए, कई नेता हमारे यहाँ पे आते हैं और वो हमसे झूठा आश्वासन देते हैं कि आप बन जाएगा रोड, तब बन जाएगा रोड। अभी तक 75 साल के ऊपर हो गया है, यहाँ पे रोड हमारे यहाँ पे नहीं बनी है। क्या मांग है आप लोग? हम लोगों की मांग यही है कि हमारा रोड के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, अगर नहीं करेंगे और हम नहीं करेंगे तो हम लोग वोट का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। क्योंकि हमारे जो हलिया क्षेत्र है उसमें कुछ सड़कें ऐसी है जिसमें बीच में फॉरेस्ट का एरिया पड़ता है और उन सड़क को बनाने के लिए हमको जो ज़मीन लेनी है फॉरेस्ट से, उतनी ज़मीन हमको फॉरेस्ट को वापस देनी पड़ती है। तो उसके लिए हमने एक 34 हेक्टेयर लैंड आइडेंटिफाई करके और उसका जो प्रपोजल है वो वेबसाइट पे भी अपलोड कराया है और उसमें हमको भारत सरकार से NOC भी लेनी पड़ती है, तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं। और ये जो लोग आए थे इनको भी बताया गया कि फॉरेस्ट का जो एरिया पड़ता है उसमें फॉरेस्ट के बिना अनुमति के सड़क नहीं बनाई जा सकती, तो उस पे हम अपने स्तर से कार्यवाही कर रहे हैं। हमारे यहाँ वही अंबेडकर नगर के कटेहरी ब्लॉक में पूर्व प्रमुख और माफिया अजय सिपाही के घर पे कुर्की की कार्यवाही की गई है। इस कार्यवाही के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल के साथ SDM ने कुर्की की कार्यवाही करते हुए मकान को सील कर दिया। ये कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां पर सियाना पुलिस ने चोरी की 2 बाइक, मोबाइल और नगदी के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि उन्होंने दिल्ली से बाइक चोरी की थी और वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे थे। ऐसा 2:30 की रात्रि में SSI सियाना और दरोगा सोमवीर सिंह चेकिंग पे थे, तभी उनको 3 व्यक्ति 2 संदिग्ध मोटरसाइकिल पे मिले। चेकिंग के दौरान उनके पास से 2 चोरी के मोबाइल, 2 पर्स जिसमें एक में 1700, एक में 1340 रुपये, 2 तमंचे, 2 कारतूस बरामद हुए हैं। सर, इन पर और भी कहीं मुकदमे दर्ज हैं? हाँ, पूछताछ पर जब जानकारी की गई तो थाना सिंभावली में इन पर बाइक लूट और गैंगस्टर का मुकदमा भी दर्ज था। इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। मैम, जो बाइक मिली है वो चोरी की हैं या कैसी हैं? दोनों ही बाइक चोरी की है, जो दिल्ली से चोरी होना पाया गया है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, जबकि कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिनका नाम पार्टी से नहीं बल्कि उनकी समाज सेवा से जाना जाता है और वो हमेशा से आम जनता के लिए खड़े नजर आते हैं। ऐसे ही एक समाज सेवी राजधानी लखनऊ की पश्चिम विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी कायम रजा खान है, जिनका कहना है कि वो जनता के सेवक हैं और जनता की सेवा करने के लिए ही वो राजनीति में आए हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता ने कायम रजा खान से खास बातचीत की, तो चलिए आपको सुनाते हैं आगामी चुनावों को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है, सारे दल अपनी अपनी तैयारी से जनता के बीच जा रहे हैं और प्रत्याशी भी अलग अलग माध्यमों से जनता के बीच समर्थन की मांग कर रहे हैं कि जनता उनको समर्थन दे और वो सत्ता की कुर्सी पर पहुंच पाए। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में हम इस समय मौजूद हैं, पश्चिम विधानसभा में जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कायम रजा जी। जानते हैं क्या कुछ लेकर, क्या कुछ एजेंडा लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और समर्थन की कह रहे हैं? नमस्ते, मैं कायम रजा खान, बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी, 171 विधानसभा पश्चिम लखनऊ का हूँ। समस्या बहुत है, वही समस्याओं को लेकर हम विधानसभा में उतरे हैं
और समस्या जो है यहाँ इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पानी पीने की है और रोड की है, जाम की समस्या है, चार पांच समस्या बहुत ज़्यादा है जो उसी को लेकर मैदान में कूदे। अगर बात समस्याओं की करें तो अगर आपने एक एजेंडा बनाया होगा कि अगर आपको यहाँ की जनता चुनती है, विधायक बनाती है, कि सबसे यानी किन प्राथमिकताओं को रहेंगे, किन का काम कराएंगे आप? हमारी जनता अगर हमको चुन के जाती है तो सबसे पहले तो यहाँ सीवर का जो पानी भरा होता है वो काम करेंगे, फिर बिजली का काम जो एक एक किलोमीटर जो है लाइन बांसों पे गई है उसको सही कराएंगे, तीसरा रास्ता जो रास्ता बहुत ही ख़राब है रास्ता सही कराने का काम हम करेंगे। बीजेपी की जनविश्वास यात्रा निकल रही है, सपा की रथ यात्रा निकल रही है, एक चुनाव के प्रति अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी क्या एजेंडा रहेगा, किस एजेंडे के साथ जनता के बीच जाएंगे और जनता आपको क्यों वोट दे, इसके लिए क्या कहते हैं जनता से? जनता हमें वोट करने जा रही है। देखिए 2007 से लेकर 12 तक हमारा काम देखा है और काम देखने के बाद काम देखते ही हुए आज हमें जो है समर्थन मिल रहा है, पूरा जन सैलाब हमारा, कल सरोजनी नगर में मीटिंग थी माननीय मिश्रा जी की, आप देखिए कितना जन सैलाब निकल के आया था, और लोग कहते हैं ज़मीन में नहीं है, ज़मीन पे तो हम लोग काम कर ही रहे, हमारी पार्टी ज़मीन में काम करती है, दिखावे वाला काम कम करती है। तो आज देख लीजिए सरोजनी नगर में कम से कम 20,000 की भीड़ थी। कायम रजा एक नाम है, एक समाज सेवा का नाम है, अमूनन आदमी कहता है कि समाज सेवी रहे हैं, राजनेता तो आप बनने जाएंगे विधायक जीतने के बाद, तो समाज सेवी के रूप में क्या पहचान है, कैसे कौन कौन से काम आपके द्वारा किए गए हैं? देखिए हम समाज सेवक पहले भी थे और अभी भी हमें लोग चुन के अगर विधायक बनाएंगे तो समाज सेवा हम तब भी करेंगे, हम कोई नेता नहीं हैं, हम समाज की सेवा के लिए पैदा हुए, सेवा करते रहेंगे जब तक जीवन है। प्राइम टीवी के माध्यम से चुनाव को देखते हुए यहाँ की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना यही हाथ जोड़ के विनती है कि लोग हमको जिताएं और इस क्षेत्र का विकास कराएं, क्योंकि देखिए सपा गवर्नमेंट रही 5 साल, भाजपा गवर्नमेंट रही, उनका भी सपा का भी 1,40,00,000 रुपया वापस चला गया, लगभग 3 करोड़ के ऊपर वापस इनका क्या नाम सुरेश श्रीवास्तव जी का भी पैसा वापस जा रहा, तो ये लोग क्षेत्र में विकास कोई किया ही नहीं। अब जनता हमको अगर जिता के लाएगी और तो हम इसको इस क्षेत्र का विकास पहले सबसे पहले कराए जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ कायम रजा खान जो कि बहुजन समाज पार्टी के पश्चिम विधानसभा लखनऊ से प्रत्याशी। इनका कहना है कि मेरी छवि हमेशा समाज सेवी की रही है और समाज सेवा के रूप में लोग मुझे जानते हैं और विधायक बनने के बाद भी हम जनता का ही काम करें, जनता की सेवा करने के, अगर यहाँ की जनता को चुनती है तो उनकी जो भी मुद्दे हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनका निदान पूरे पूरे तत्परता करते नजर आऊंगा। कैमरा पर्सन रश्मि से गौरव श्रीवास्तव, प्राइम टीवी लखनऊ। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।